एग्जाम के एक दिन पहले या महज कुछ घंटे पहले कैसे आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो। इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है और टेंशन नहीं लेना है, एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाने वाला है। आपने जितना भी पढ़ा है काफ़ी है, आपको बस दो तीन चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। इग्नू में डिग्री की पढ़ाई होती है, आपको पता है इग्नू डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स कोर्सेज को देखता है। आपने जो भी पढ़ रखा है इतने दिनों में या फिर रिसेंटली आपने जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं। अगर आप सोचो कि मैं रिवाइज करूँगा तो आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आपको बस शांत रहना है और आपको ये भरोसा रखना है आपने जो भी पढ़ा है बिल्कुल सही है। आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को देखिए और बस क्वेश्चन का एक पॉइंट आप पकड़िए। जैसे कि नागरिकता क्या है, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, नागरिकता क्या है, वॉट इज सिटीजनशिप। तो इस बारे में आपके मन में क्या ख्याल आता है, आप एक नागरिक हो और आपको आपके बारे में तो पता है। जैसे मैं कहूँ कि अपने बारे में बताइए तो आप अपना नाम बताएंगे, आप कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसी पर्सनैलिटी है, आप क्या सोचते हैं, बस इसी चीज़ के बारे में तो आपको डिफाइन करना है। सेम उसी तरह अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स या फिर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बस उस चीज़ को देखिए और उस चीज़ के बारे में डिफाइन करना शुरू कीजिए कि ये ऐसा दिखता है, इसके आकार ऐसी है, ये इतना फ़ायदा देता है, इसका नुकसान ये है। बस यही चीज़ आपको लिखनी है, जितना भी आपने पढ़ा है या फिर आपने सुना है बस उस चीज़ को आप लिख दीजिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब बात कहते हैं कि क्या हमें डायग्राम बनाना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। डायग्राम याद आ रहा है इसे ज़रूर बनाइए, पॉइंट टू पॉइंट डायग्राम बनाइए, पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिए। अगर आप डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो इससे एग्जामिनर को या फिर जो भी आपके टीचर कॉपी चेक करते हैं उन्हें लगता है कि स्टूडेंट तो बड़ा ब्रिलियंट था, इसने डायग्राम अच्छे से बनाया है। तो डायग्राम्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप एक साइंस वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो चार्ट्स वगैरह ज़्यादा बनाइए, इससे आपको ज़्यादा और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।